कोरोना महामारी बेहद खतरनाक है, इस विच कोई शक नहीं, पर यह नहीं कहा जा सकता कि जिन्नी देर कोरोना वायरस तुहाडे शरीर च है वह उन्नी देर ही खतरनाक है। बल्कि हुण कोरोना जांदा जांदा शरीर नूं कई तरह दीआं बीमारियां भी देखे जा रहा है, जिवें कि पिट दर्द, सिर दर्द अते सब तों वड्डी परेशानी है कि अखां दी रोशनी दा चले जाणा। हुण सिहत माहरां वल्लों इन्हां बीमारियां नूं लै के कुछ वड्डे खुलासे कीते गए ने। की कहना है सिहत माहरां दा, आओ तुहानूं वी सुणाउंदे आं। जिहड़ा कोरोना पैंडेमिक विच असीं 4-4 लाख तो उपर केस पहुँच रहे हैं, वो च एक नवा एपीडेमिक आया, वो है म्यूकरमाइकोसिस ब्लैक फंगस, जिन्हों काली उल्ली भी कहते हैं। उन्हों बचा करने का तरीका सिंपल है, आपां कर की रहे हैं कि जो पेशेंट ट्रीट होकर बिल्कुल घर चला जाता है 2-3 हफ्ते बाद, क्योंकि आपां पेशेंट नूं स्टीरोइड दे रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा लोग डॉक्टर्स भी माइल्ड पेशेंट विच भी स्टीरोइड दिते जा रहे हैं, जो कि बिल्कुल कंट्रा इंडिकेटिव जरूरत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ सवियर केसिस विच उसकी जरूरत आती है, तो सवियर केसिस विच देने भी चाहिए ने, जिवें जिदा हाई ग्रेड फीवर बहुत ज़्यादा 7-8 दिन तो बहुत ज़्यादा 102-104 तक जा रहा है, तो स्टीरोइड की जरूरत है, जो ऑक्सीजन सैचुरेशन 94 तो जल्दी नीचे गिर गया, 90 तक थले पहुँच गया, उसकी जरूरत है, या चेस्ट एक्सरे पेस्टिस आई हैं, सीटी विच ग्राउंड ग्लास पेस्टिस आई हैं, तो जरूरत है, और इनफ्लामेटरी ब्लड पैरामीटर जिवें इंटरल्यूकिन 6, ESR, CRP, सीरम फेराटीन, LDH, जे ये रेज्ड ने और डी डायमेंज अगर रेज ने तो स्टीरोइड की जरूरत है, क्योंकि ये 2-धारी तलवार है। अगर आपां इनू इलाज करता, क्योंकि एक तो लाइफ भी सेव करनी है पेशेंट की, देखना सवियर में जरूरत बहुत वधिया जरूरत है, क्योंकि पेशेंट नू उहदी लाइफ बच सकती है, बट अगर आप माइल्ड में दिने वो पेशेंट नू खतरा भी हो सकता, क्योंकि 2-3 हफ्ते बाद जब पेशेंट घर जाके ठीक होगा, उसकी इम्यूनिटी घट हुई होगी स्टीरोइड देने के बाद, और उस तो बाद जो वापस आता है, कभी और स्वेलिंग एक पास फेस से स्वेलिंग होती है, जो एक पास कुछ नक में कालापन आ जाता है, जो उसको चक्कर आते हैं, जो उसको हेडेक शिद्दत बहुत जबरदस्त होता है, तो उस टाइम के इमीडिएटली डॉक्टर के पास जाना है, वो इलाज करेगा, एंटी फंगल ड्रग्स देगा, म्यूकरमाइकोसिस नू बचा करने की पूरी कोशिश करेगा, अगर उन्होंने सर्जरी करनी है, डिब्राइडमेंट करनी है, साफ करना है, वो एरिया साफ करेगा, क्योंकि ये डेथ रेट 50% है अगर म्यूकरमाइकोसिस हो जाता है, तो अगर ये ब्रेन इन्वॉल्व हो तो बहुत ही ज़्यादा परिणाम खराब होएगा पेशेंट वास्ते। बैटर है जल्दी से जल्दी हस्पताल से पहुँचो और उत्थे जाके डॉक्टर की सलाह लेके जल्दी ट्रीटमेंट करो। डरन की लोड़ किनू है, जो किसी हो जाता तो क्या करे फिर? देखो, डरन की लोड़ उन्होंने है जिन्हें इम्यूनिटी घट है, जिमें डायबिटिक, हैवी डायबिटिक्स ने, इम्यूनो कंप्रोमाइज ने, ल्यूकीमिया, लिम्फोमा, ब्लड कैंसर के पेशेंट ने, या कोई और कैंसर है, एक क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी इम्यूनिटी डाउन है, उस स्टीरॉयड बड़े ध्यान यूज करना पड़ेगा डॉक्टर नू, और सवियर है ता ही यूज किया जाए, नहीं तो माइल्ड में 80-85% पेशेंट जिन्होंने कोई जरूरत नहीं है स्टीरॉयड की, उस स्टीरॉयड देने की कोई लोड़ नहीं है, और इन्हों बहुत ध्यान देखना पड़ेगा कि हर हफ्ते या हर 2 हफ्ते बाद अपने फिजिशियन नू दिखावे कि कोई ऐसा कुछ है, जिवें मैं 5 सिम्पटम दसे आ, कोई स्वैलिंग फेस से अनयूजुअल स्वैलिंग आ जाए एक पासे, जां तुहानूं चक्कर आ रहे हैं, जां तुहानूं शिद्दत हो रहा है, जां तुहानूं कोई नक तो नज़ला ठीक नहीं हो रहा, उस वेले दिखाया जाए, जो काली काली काला कुछ पन आ रहा नक के फेस से, उस वे डॉक्टर के पास जाए, जल्दी जाएगा तो उसका इलाज संभव है।